हीरोज लिव अ लिमिटेड लाइफ और टेक अ रीबर्थ बट लेजेंड्स नेवर डाई। और ये लाइन एकदम ठीक बैठती है हमारी इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की लेजेंडरी बाइक पल्सर के ऊपर। इंडियन यूथ की शान और हमारे मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास इंडियन बॉयज की जान है पल्सर। आज हम इसी बाइक की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इस बाइक से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स भी जानेंगे जो शायद ही आप लोग जानते हो। साथ ही छोटी सी रिक्वेस्ट और है मेरी आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी थोड़े से कम है हमारे। पल्सर को तकरीबन आज से 19 साल पहले 24 नवंबर 2001 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। और उस टाइम पर इस गाड़ी की जो मेन कॉम्पिटिटर थी वो थी हीरो होंडा की CB-Z, जो कि एक एंट्री लेवल 150cc स्पोर्ट्स बाइक थी। पल्सर को जब इंडिया में लॉन्च किया गया था 2001 में, तो इस गाड़ी का प्राइस तकरीबन 25,000 से 35,000 के बीच में था। एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 2001 में बजाज ने पल्सर के दो मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किए थे, पहला था 150cc और दूसरा था 180cc। इन दोनों ही बाइक में इंजन के अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं था मैकेनिकली, और लुक वाइज दोनों ही बाइक एकदम सेम लगा करती थी। नॉर्मली आप इनको देख के डिफरेंस नहीं बता सकते थे। पल्सर 150 में 150cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता था, जो तकरीबन 13 HP की पावर जनरेट करता था। और पल्सर 180 में 180cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता था, जो तकरीबन 15 HP की पावर जनरेट कर दिया करता था। दोनों ही पल्सरों में 5 स्पीड का गेयरबॉक्स और 18 लीटर का फ्यूल टैंक मिला करता था। पल्सर में उस टाइम पर सेल्फ स्टार्ट भी मिला करता था, लेकिन 150cc में ये फीचर ऑप्शनल था, लेकिन 180cc में सेल्फ स्टार्ट स्टैंडर्ड मिला करता था। 2001 में जो पल्सर आती थी उसका व्हील बेस तकरीबन 1265 mm। आप में से शायद काफी कम लोग जानते हो कि पल्सर पहली एक इंडियन ब्रांड की मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल थी, जिसमें कि फ्रंट डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड मिलते थे। इससे पहले जितनी भी बाइक्स आती थी उनमें डिस्क ब्रेक जैसा फीचर सिर्फ ऑप्शनल मिला करता था। और फिर 2003 में बजाज ने पल्सर को उसका पहला अपडेट दिया था, और 2003 के इस अपडेट में पल्सर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिले थे, कॉस्मेटिक और मैकेनिकल दोनों ही तरीके के। सबसे बड़ा चेंज तो आपको फ्रंट में ही नोटिस हो जाएगा। 2003 की पल्सर में स्टाइलिश हेडलैम्प्स मिला करते थे, पुराने वाले गोल हेडलैम्प वाली पल्सर बजाज ने डिसकंटिन्यू कर दी थी। 2003 में ही बजाज ने पल्सर के व्हील बेस को भी तकरीबन 1265 mm से बढ़ा करके 1320 mm कर दिया था। बजाज ने ऐसा पल्सर की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया था, क्योंकि इस वाली पल्सर का वेट पुरानी वाली पल्सर से ज़्यादा था। 2003 में दोनों ही पल्सर्स के इंजन को भी अपग्रेड किया गया था, और अब दोनों ही पल्सर्स की पावर भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब पल्सर 150 तकरीबन 14 BHP की पावर जनरेट करती थी, और 180 तकरीबन 16 BHP की पावर जनरेट किया करती थी। 2005 तक पल्सर इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, पॉपुलर हो चुकी थी, और 2005 में ही बजाज ने पल्सर को फिर से अपडेट किया, ताकि ये बाइक पहले से ज़्यादा फ्रेश लग सके और इसकी पावर को भी बढ़ाया जा सके। 2005 में ही दोनों पल्सर को 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने लगे थे, और पल्सर दूसरी मेड इन इंडिया बाइक बनी थी करिश्मा के बाद, जिसको कि अलॉय व्हील्स मिला करते थे। पर अलॉय व्हील्स 180 में ही सिर्फ स्टैंडर्ड मिला करते थे, 150 में ये फीचर ऑप्शनल था। और इस बार से इन दोनों ही पल्सर्स में डिफ्रेंशिएट करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका था। पल्सर 180 के इंजन और अलॉय व्हील्स ब्लैक कलर के हुआ करते थे, और पल्सर 150 के इंजन और अलॉय व्हील्स ग्रे कलर के हुआ करते थे। 2005 में ही बजाज ने पल्सर के इंजन के साथ भी छेड़छाड़ करी थी, और अब पल्सर 150 का इंजन तकरीबन 13.5 BHP की पावर और 180 का इंजन तकरीबन 16.5 BHP की पावर जनरेट किया करता था। 2006 में बजाज ने पल्सर को फिर से अपडेट करने का फैसला किया, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट्स करेंगे, गाड़ी के इंजन के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2006 में बजाज ने पल्सर में काफ़ी सारे चेंजेस किए थे, जैसे कि इसके हेडलैम्प्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया था, टेल लैम्प के डिज़ाइन को भी चेंज कर दिया गया था। पल्सर को दो वर्टिकल LED टेल लैम्प मिला करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगते थे उस टाइम के हिसाब से। जो सबसे मेन चेंज किया गया था पल्सर में, वो था इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। अब पल्सर को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिला करता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था पुराने वाले एनालॉग के मुकाबले। 2007 में बजाज ने पल्सर के एक न्यू मॉडल को इंडियन मार्केट में उतारा, और ये था पल्सर 200cc। पल्सर 200 के ज़्यादातर पार्ट्स को पल्सर 180 से ही लिया गया था। पल्सर 200 में ट्यूबलेस टायर मिल जाया करते थे उस टाइम पर, और इस गाड़ी में 200cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता था, जो तकरीबन 18 BHP की पावर जनरेट कर दिया करता था।
साथ ही इसमें ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती थी जो कि पहली बार किसी लोकली प्रोड्यूस्ड बाइक में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और 2007 में ही बजाज ने पल्सर के एक बहुत पावरफुल वर्जन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया और ये था पल्सर 220। और इस बाइक ने बहुत ज़्यादा टेंशन ग्रैब किया था उस टाइम पर सभी लोगों का। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो ये पल्सर सीरीज की सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग बाइक थी। इस बाइक के कुछ पार्ट्स को पल्सर 200 से भी लिया गया था। पल्सर 220 पहली मेड इन इंडिया बाइक थी जिसको कि रियर डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड मिला करता था। पल्सर 220 में 220 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिला करता था और ये इंजन तकरीबन 19.5 bhp की पावर जनरेट किया करता था। और पल्सर 220 पहली मेड इन इंडिया बाइक थी जिसको कि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिला करता था। पल्सर 135 LS 2009 में ही बजाज ने पल्सर की सीरीज को ऊपर ले जाने के बजाय नीचे ले जाना ज़्यादा बेहतर समझा और पल्सर 135 LS को लॉन्च किया। इस बाइक की डिज़ाइन बाकी की पल्सरों से पूरी तरह अलग थी और ये थोड़ी सी स्लिम भी लगा करती थी अपनी बड़ी बहनों के मुकाबले। पल्सर 135 में 135 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिला करता था और ये इंजन तकरीबन 13.5 bhp की पावर जनरेट कर दिया करता था। 2010 में बजाज ने पल्सर 150 को अपडेट किया था और अभी इसका इंजन तकरीबन 15 bhp की पावर जनरेट करने लगा था। इससे कुछ ही टाइम पहले बजाज ने पल्सर 180 के इंजन को अपडेट किया था और अब उसका इंजन तकरीबन 17 bhp की पावर जनरेट करता था। 2010 में ही बजाज ने पल्सर 220 को भी अपडेट किया था, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक्स चेंज किए थे, साथ ही इंजन को भी अपडेट किया था और अब पल्सर 220 का इंजन तकरीबन 21 bhp की पावर जनरेट करने लगा था जो कि पहले 19.5 bhp की पावर जनरेट किया करता था। पल्सर 200 NS 2012 में बजाज ने पल्सर फैमिली में एक न्यू मेंबर को ऐड किया और ये था पल्सर 200 NS और ये बाइक कम्प्लीटली डिफरेंट थी बाकी की पल्सर से। इस बाइक में काफ़ी सारे फीचर्स मिलते थे और इसको 6 स्पीड का गियर बॉक्स भी मिलता था। पल्सर 200 NS में 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिला करता था जो तकरीबन 23.5 bhp की पावर जनरेट करता था। और पल्सर 200 NS के लॉन्च के साथ ही बजाज ने पुरानी वाली पल्सर 200 DTSI फर्स्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। 2015 में बजाज ने पल्सर सीरीज की अब तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक पल्सर RS 200 को लॉन्च किया। अब इस बाइक के बारे में मैं क्या ही बोलूं? आप में से ज़्यादातर लोग जो स्पोर्ट्स बाइक के दीवाने होंगे वो इस बाइक के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि ये बाइक कितनी बढ़िया चलती है। इस बाइक में काफ़ी सारे फीचर्स भी मिल जाया करते थे, साथ ही इसमें सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता था जो कि सेगमेंट की बाइक के हिसाब से अच्छा फीचर माना जाता है। इस बाइक को प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिला करते थे और फ्रंट से ये बाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगा करती थी इन टर्म्स ऑफ लुक। पल्सर RS 200 में 200 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिला करता था और ये इंजन तकरीबन 24.5 bhp की पावर जनरेट कर दिया करता था। 2015 में बजाज ने पल्सर की एक नई सीरीज को इंडियन मार्केट में उतारा और उसका नाम था एडवेंचर सीरीज और इसके तहत बजाज ने दो बाइक लॉन्च करी थी, पल्सर AS 200 और AS 150। दोनों ही बाइक्स में काफ़ी सारे फीचर्स मिला करते थे लेकिन हम फीचर्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। पल्सर AS 200 में 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 200 cc इंजन मिला करता था जो तकरीबन 23.5 bhp की पावर जनरेट करता था और AS 150 में 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 150 cc इंजन मिलता था जो तकरीबन 17 bhp की पावर जनरेट करा करता था। फरवरी 2017 में बजाज ने टेम्परेरी डिसकंटिन्यूड पल्सर 200 NS को रीलॉन्च किया और इस बार उसका नाम पल्सर NS 200 रखा गया था। उसके कुछ महीनों बाद बजाज ने जुलाई 2017 में पल्सर NS सीरीज की एक छोटी बाइक NS 160 को भी लॉन्च किया और ये दोनों बाइक अपने प्राइस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई भी किया करती थी उस टाइम पे। पल्सर NS 160 में 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 160 cc इंजन मिलता है जो तकरीबन 16.1 bhp की पावर जनरेट कर देता है। और अगर बात करी जाए इसकी बड़ी बहन पल्सर NS 200 की तो उसमें 200 cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो तकरीबन 23 bhp की पावर जनरेट कर देता है। और फिर कुछ टाइम बाद बजाज ने पल्सर की AS सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद 2019 में बजाज ने पल्सर 180 को काफ़ी हैवली अपडेट किया और इसको 180F के नाम से लॉन्च किया और इस अपडेट की वजह से पल्सर 180F काफ़ी हद तक अपनी बड़ी बहन पल्सर 220F की तरह लगने लगी थी इन टर्म्स ऑफ लुक।
हालांकि पावर सेम थी, पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी बजाज ने। 2019 में ही बजाज ने पल्सर सीरीज की अब तक की सबसे छोटी बाइक पल्सर 125 को लॉन्च किया। पल्सर 125 देखने में तो एकदम पल्सर 150 की तरह ही थी, लेकिन पावर के मामले में उससे बहुत पीछे थी। पल्सर 125 में 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन मिलता है, जो तकरीबन 11.8 bhp की पावर जनरेट कर देता है। 2019 में बजाज ने पल्सर का नियॉन एडिशन भी लॉन्च किया है, जो कि काफी अच्छा लगता है। तो ये था बजाज पल्सर का पूरा सफर इंडियन मार्केट में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे हैप्पी।